जिसके अंदर हमें टॉपिक मिला है बुद्धि परीक्षण का। हमें बुद्धि परीक्षण का प्रशासन और अंकन और निर्वचन करना है। हमने सबसे पहले बुद्धि यानी इंटेलिजेंस की परिभाषा लिखी है, प्रस्तावनाएं लिखी हैं। इसके बाद में हमने बुद्धि की सामान्य योग्यताएं लिखी है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने, जो कि मनोवैज्ञानिक टर्मन, एम्बिगास, स्टाउट, स्टर्न आदि ने जो परिभाषाएं दी है, उन सभी की परिभाषाओं को लिखा है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को तीन प्रकार का बताया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। बुद्धि समस्त विशेष योग्यताओं का योग है। बुद्धि की विशेषता है, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के सिद्धांत, बीने का एक एक कारक सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर होता है, त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत जिसमें तीन फैक्टर सामान्य कारक, विशिष्ट कारक, समूह कारक होते हैं, थॉर्नडाइक का बहुकारक बुद्धि सिद्धांत और थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत। जलोटा ने बुद्धि का एक सामूहिक परीक्षण किया है, जिसकी हमने उपकरण सामग्री को इस प्रकार लिखा है। परीक्षण के समय ध्यान देने योग्य बातें। परीक्षण करते वक्त वातावरण शांत रखा जाना चाहिए। प्रशासन, बात करते हैं स्कोर स्टेंसिल। सभी वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतों के अनुसार बुद्धि को परिभाषित किया है। स्टर्न, टर्मन और मेरिल एवं वेस्लर ने बुद्धि की कुछ योग्यताएं बताई हैं, जो कि परिणाम तालिका में हमने एक परीक्षण, 5-4 बच्चों पर परीक्षण लेकर यह बुद्धि परीक्षण किया है। व्याख्या और निष्कर्ष। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, लिंग भेद, परिवार का आकार, जन्म क्रम, पेशा, आयु, वातावरण, वंशानुक्रमता, बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। हमने सामूहिक बुद्धि परीक्षण को विस्तृत रूप से परिभाषित किया है। बुद्धि परीक्षणों के उपयोग। मानसिक योग्यता को ज्ञात करने में, कक्षा में प्रवेश हेतु, शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करने में, व्यावसायिक उपयोग में, निदान एवं चिकित्सा में उपयोगी, सेना में उपयोग किया जाता है बुद्धि परीक्षणों का, कर्मचारी चयन हेतु, अनुसंधानिक उपयोग हेतु और व्यवहारिक उपयोग हेतु बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। बुद्धि का मापन, बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया गया है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, जिससे हमें यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न बच्चों की अलग अलग मानसिक योग्यता होती है। इसमें हमने उदाहरण में समझाए गए आंसर्स को लिखा है। ये जो बच्चे ने आंसर्स दिए, उनकी योग्यता के अनुसार वह हमने अंकित किए।
सही को 1 अंक और गलत को 0 अंक दिया। तो अंत में हमने उसकी बुद्धि का परीक्षण किया और उसके प्राप्तांकों के माध्यम से उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु को 100 से गुणा करके हमने उसकी बुद्धि का परीक्षण किया। धन्यवाद।